अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइस, अजमेर जाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, बस अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। खाना मैंने बना ली थी रात को, पैक कर ली अभी सब गर्म करके। मैंने कबाब मैंने सब पूरे मतलब मसाला वगैरह सब लगा के कबाब को फ्रिज में रख दी, क्योंकि फ्राई करना था। कबाब मैंने फ्राई करके ले ली। अभी यहाँ पर सब चीज़ हो गई है, बस माशाल्लाह निकलते हैं। दुआ करना अच्छे से सफ़र हमारा आसान हो और जल्द से जल्द हमारे घर पर हम लोग सही सलामत पहुँच जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ। ये देखिए ये ड्रेस कैसा लग रहा है मेरा। ये ड्रेस मेरा 750 रुपये का है, या 700 रुपये का है। 700 रुपये का है ना, 700 रुपये का है ना ड्रेस। 700 रुपये का देखिए, 750 का ड्रेस देखिए। मैं दुपट्टा मैंने अलग से ली हूँ और मस्त एकदम कॉटन है। ये गांधी मार्केट से ली मैंने, है ना। हाँ। तो चलिए मतलब एक एक करके सब बैग भी भाग लेते। पहले मैं बाल बना लेते, मेरे बाल जल्दी बनते नहीं है, मेरे बाल में गांठें बहुत होती है। तो चलिए गाइस, बस अभी अभी माशाल्लाह अभी हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से, है ना। अभी ट्रेन में हमारी जो बातें होगी सब ट्रेन में होगी। चल निकल जाओ, बंद कर देते। ये पावधान के सब सब बराबर है, सब बंद है। हाँ, सब 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 बंद कर दिया मैंने। नहीं 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 कुछ नहीं भूले, कपड़ा अंदर ले लो ये वाला। सब बराबर है। बंद कर दो। तेरा को सामान नहीं है ना। नहीं नहीं बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हम लोग ने हम लोग का सब बैग रख चुके हैं बाहर। हाँ, ताला चाबी ले लिया मैंने।
तो चलिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कबाब खा लिए। कबाब खाने के बाद में हमें सबको लग रही थी भूख, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए थे। मैंने बिरयानी बनाई थी, वो बिरयानी को डायरेक्ट मैंने डब्बे में नहीं डाली, सीधा टोपी मैंने एक कपड़े में बांधकर लेके आ गई। और माशाल्लाह जो मैंने वाइट बिरयानी बनाई थी वो इतनी टेस्टी बनी थी कि पूछो मत। और मेरे हमारे आगे हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर लोग भी बैठे थे, तो एक थाली में मैंने उनको भी डाल के दी थी, है ना सिर्फ। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग बैठे हुए हैं प्लेट में, बैठ गए आराम से प्लेट में। जो मैंने कबाब बना के लेके आई थी, खाना बना के लेके आई थी, माशाल्लाह हम लोगों ने खाए। और यहाँ पर मुझे एक मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है, मुझे जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो लोग भी मुझे मिले। तो उन लोगों को मैंने अपनी तरफ से खाना, जो मैं बिरयानी बनाई थी, मुझे कबाब बनाई थी, मैंने उन लोगों को दी। और उन लोगों ने तारीफ भी की, बोले ट्रेने के झटके में खाली तो चले गए। हमारा खाना खाने के बाद में कुछ दिल हुआ कि कुछ मीठा खा ले, तो जैसे कि मैंने अपने साथ में आम लेके आई थी, तो वो आम को मैंने काट कर बच्चे लोग को दी। मैंने ककड़ी भी लेके आई थी, मगर ककड़ी काटने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आम मैंने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा ली थी। तो थोड़ा आम हम लोग ने भी खाए, और हमारे आजू बाजू जो लोग बैठे थे उन लोगों को भी हमने थोड़ा थोड़ा दिए। और बहुत ही मज़ा आ रहा था जाने के लिए। सफ़र में खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, और साथ में जब अपनी फैमिली हो तो, है ना सिर्फ। हाँ। तो ऐसे ही करते करते बस हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, यहाँ पे खा रहे पी रहे थे। और सीन जो है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा आ रहा था। जैसे जैसे सीन अच्छे अच्छे आ रहे थे, वैसे वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो भी बनाई। फिर हमारी क्रेज रुक गई, तो कोई स्टेशन आ गया था। कौन सा स्टेशन? रतलम जंक्शन। अच्छा, तो वहाँ पर हम लोग उतरे, थोड़ा पाँव को ढीला किए, क्योंकि बैठ बैठ के पाँव में चल गई थी सूजन। और तो हम लोग थोड़ा पाँव को ढीला कर रहे थे, चल रही थी मैं थोड़ा बाहर उतर के। यहाँ पे खाने पीने का कुछ दुकानें काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा वहाँ से खाने के लिए लिए। बिरयानी थोड़ी सी बची हुई थी, मगर सूखा चावल था, उसका मसाला जो था वो ख़त्म हो गया था। मसाला इतना टेस्टी बना था कि वही खा खा के ज़्यादा हम लोगों ने ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाने के लिए लिए, जैसे कि ढोकला था, कुछ कांदा पौवा बना था, यहाँ पे समोसे थे, आइसक्रीम थे, और रबड़ी बहुत ज़बरदस्त थी गाइस। फ्रीजर पे मैंने जो रबड़ी खाई, बहुत बेहतरीन रबड़ी मुझे मिली खाने के लिए। तो यहाँ पर बस फिर मैंने अपने को थोड़ा पेट में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी मेरे, तो मैंने अपने लिए खाने के लिए आइसक्रीम ली, है ना। तो मैंने थोड़ा आइसक्रीम खाई। ऐसे करते करते गाइस बहुत ही इंजॉय की मैंने ये टाइम पे, मुझे बहुत मज़ा आया। दिल में दुआएं भी करते जा रही थी कि अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारी चौखट पे हमें सही सलामत से पहुंचा दो। और बहुत चाहत के साथ और बहुत उम्मीदों के साथ में मैं इस बार ख्वाजा गरीब नवाज की छट्टी में हाजिर हुई। अभी अपन रुके रतलम जंक्शन पे, 8-10 बजे की रुकने की थी, लेकिन 20 मिनट लेट है ट्रेन। हम्म,
ये मसाला राइस है, वेजिटेरियन मसाला राइस है कुछ तो। ये भी वही है, ये भी वही है, ये ढोकला है, उसके ऊपर हरी मिर्ची और ये दाल के दिया है ना चूड़ा। चूड़ा इधर का रहेगा, कुछ अलग ऐसा ढोकला चाहिए, लेके आ जाओ बैग जाके, मैं तो ये तुम खा लो ना। ये लस्सी है, वो ये भी लस्सी है, उसमें उधर रबड़ी है और ये समोसा है, इसमें भी रबड़ी है, ये भी इधर एक और समोसा है। बहुत टाइम के बाद ट्रेन रुकी किधर, मतलब ट्रेन फास्ट है लेकिन स्टॉप ज्यादा नहीं ले रही है। पानी वाला आएगा, पानी लेके आ जाओ ना। और अम्मी ने लिए थे कोन पेट में थोड़ा ठंडा लगने के लिए। अभी हमारी ट्रेन रुकी है कहाँ पर आती? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में हमारी ट्रेन रुकी है, हम लोग थोड़ा उतरे हैं, बैठ बैठ के काफी पाँव दर्द होने लग गए थे, है ना। बहुत खुशी हो रही है कि बस अभी कुछ ही वक्त बचा है हमें अजमेर स्टेशन पहुँचने के। अभी कितने बज गए? 12 बजने हैं, बस 3 घंटा और 3-4 घंटा। हाँ, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। इसके पहले हम लोग रतलम जंक्शन पे रुके थे, अब उसके बाद इधर स्टॉप लिए ट्रेन, बैठे बैठे कंटाल आ गया इसका। फिर वो आगे के भूखी हुए, आगे के उन लोग आए, फिर थोड़ा बाद बात किए, ये लोग पीछे ही खड़े इधर ही है, इन लोग ही रेड शर्ट, रेड शर्ट वाले भाई, येलो शर्ट वाले भाई और ये उनकी वाइफ। वो जो रेड वाले टी शर्ट वाले भाई है ना, वो हर महीने छठी शरीफ जाते हैं। उन्होंने मुझे भी बताया कि आप भी जाओ, इंशाल्लाह जो आपके दिल में है वो उनके सामने आते करो बोलो, तो इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि जरूर आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। मैं भी यकीन करती हूँ कि मैं जो जा रही हूँ आपसे मुझे जरूर मिलेगा, है ना। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, सारी आवाम के लिए दुआ करूँगी मैं, है ना। और जो लोग नहीं जा पाते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ चले गए। अभी यहाँ पर अजमेर स्टेशन आ चुका है और अभी हम लोग काफी गहरी नींद में सब सो गए थे, तो अभी हम लोग उतरे हैं, बस अभी जा रहे हैं ना, उतर रहे, अभी उतर रहे अजमेर स्टेशन, उतर अजमेर स्टेशन ये ना। तो जैसे कि गाइस अभी हम लोग अजमेर पहुंच चुके और मैंने होटल जो बुक की थी, मैंने घर से ही ऑनलाइन होटल को बुक की थी, ये वही होटल है जो पिछले टाइम मैं होटल में आके रुकी थी, है ना। और माशाल्लाह ये होटल मुझे बहुत पसंद आया, एकदम साफ़ सफाई भी अच्छी है और यहाँ का खाना पीना भी अच्छा है। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे साथ आप लोग बने रहना। और ये होटल के बारे में मैं आप लोगों को कितना ही बोलूँ, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास होटल है। तो माशाल्लाह बस अभी हम लोग पहुँच गए दरगाह के पास में, अभी मैं रुकी हूँ किधर पे? रॉयल पैलेस होटल में मैं रुकी हूँ, रॉयल पैलेस होटल में यहाँ पर। और यहाँ पर अजमेर में बहुत तेज जोरों की बारिश हो रही है, हवा आपको आती रहेगी। छट्टी शरीफ है, पब्लिक इतनी आ रही, इतनी आवाम से आ रही है कि पूछो ही मत, है ना।
स्टेशन पे भी इतनी काफी पब्लिक थी और अभी रास्ते में भी इतनी पब्लिक दिख रही है कि ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं है। इधर रात कितने बजे सुबह थी? सुबह के 4-5 बज रहे। सुबह के 5 बज रहे करके। और बस मेरे को ये वाली होटल बहुत पसंद आई थी। जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो ये होटल में रुकी थी तुम लोग सबके साथ में। जब अपन सोशल मीडिया पे आए तभी मैं फिर आई। इसके पिछले साल वाला वीडियो देख रहे थे तभी हम लोग यही होटल में रुके थे। तो तभी भी ये होटल में रुके थे, अभी भी मैं इंशाल्लाह यही होटल में रुकी और हमेशा अभी आऊंगी तो यही होटल में ही रुकूंगी, ये मैंने सोची हूँ, है ना। और अभी कल हमारी मुलाकात होगी, कल मैं जाऊंगी हमारे ख्वाजा जी के दरबार में, है ना। हाजी लगाऊंगी, सलाम दुआ करूंगी, उनसे मुलाकात करूंगी और फिर हमारे जो खादिम है खादिम से मुलाकात करूंगी, है ना। तो चलिए अभी आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ में 8 दिन तक का जुड़े रहिए, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए आप को फॉलो कीजिए, है ना। और देखती हूँ मैं क्या मुझे कितनी पब्लिक यहाँ पर मिलती है क्या नहीं। हाँ।